रिलैक्सो कैसा दिखता है? सर ये ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्सो लिया जा सकता है। लेवल्स बताइए सर, और थोड़ा सा एनालिसिस की क्यों रिलैक्सो। सर आपको मैं याद दिला देता हूँ, शायद आपको भूल गए, चप्पल की बात की थी मैंने। अमेजन में जी 100 रुपए के नीचे अगर कोई चप्पल दिखता है तो वो रिलैक्सो है। इनकी खुद की फैक्ट्रीज है, बाकी दुनिया भर की कंपनी जो है वो सब बाहर से आउटसोर्स करके बनाती है अपना प्रोडक्ट, ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको याद हो हमने पूरा इसका एनालाइज किया था। जी सर 25 से 30% CAGR से ग्रो कर रही है। इसका कैश फ्लो आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, बहुत ही बेहतरीन कैश फ्लो है इनका। और ये हमें लगता है हर 3 साल में ये शेयर डबल होने वाला है। आने वाले 10 साल में हर 3 साल में आपका ये शेयर डबल होगा, मतलब यहाँ से 10 साल के में आप इसको 5,000 के लेवल तक देख सकते हो, 5 से 6,000 के लेवल। तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ, बट क्वार्टरली जरूर देखते रहिए, कुछ चेंजेस ना हो जाए। अगर जो विजन है कंपनी का, जो फंडामेंटल्स है, अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, जिस तरह से चल रहा है ये चलता रहे, तो आप लॉन्ग टर्म में इसको अच्छा मुनाफा अच्छा पैसा बना सकते हो। जिसको वेल्थ क्रिएट बात करते हैं, मल्टीवेगर स्टॉक की बात करते हैं, वो ये स्टॉक है भी और आगे भी बनाएगा, ये हमारा मानना है। अब ट्रेडिंग व्यू की बात करूं तो सर ट्रेडिंग में ये सपोर्ट है इनका 1100 रुपए के नीचे, तो मतलब 1090 का स्टॉप लॉस लगा ले और 1200 का टारगेट, 1215 20 1230 का टारगेट लेके चल सकते हैं 1 महीने के लिए। वो ट्रेडिंग व्यू है, बट इन्वेस्टमेंट व्यू है आप कंटिन्यूअस हर डिप में इसको बाई करें।